आपने देखा कि अल्प अभिधान क्या है, किस तरह से इसकी प्रविष्टियां की जाती हैं। अब इसका विपरीत स्वरूप जिसे हम कहते हैं अति अभिधान, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन। जिस प्रकार हमने देखा कि अल्प अभिधान की अपनी बहुत सी दशाएं होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, वैसे ही कई बार कंपनी जितने अंशों को बेचना चाहती है जनता को, उससे ज़्यादा के अंश कंपनी के खरीदने के लिए जनता तैयार हो जाती है। एक उदाहरण के तौर पर कंपनी ने 10,000 अंश 10 रुपये वाले जनता को निर्गमित किए और 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। कंपनी कितने अंशों को बेचना चाहती है? 10,000 अंशों को। लेकिन जनता से कितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए? 12,000। 2,000 अंश ज़्यादा खरीदना चाहती है जनता। कंपनी की साख बहुत अच्छी होने से, मार्केट बहुत अच्छा रहने से इस तरह के कंडीशंस कई बार बनती हैं। तो जब अति अभिधान या ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर बात आ जाती है अनुपातिक आवंटन की। फिर यहाँ पर प्रोरोटा अलॉटमेंट की बात आ जाती है, अनुपातिक आवंटन की बात आ जाती है। आगे हम देखेंगे कि अनुपातिक आवंटन क्या है और किस प्रकार से इसकी प्रविष्टियाँ की जाती हैं। तो अति अभिधान की कंडीशन में जब अंशों का आवंटन किया जाता है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि अनुपातिक आवंटन किस प्रकार किया जाना है। इसमें जैसे जैसे आवेदन आते जाते हैं, उसको हम कई अलग अलग भागों में देखते हैं कि किस किस तरह से आवेदन आए हैं। कुछ आवेदन की राशि को तो हम पूर्णतः अस्वीकृत कर देते हैं और जिन आवेदनों को हम अस्वीकृत करते हैं उनकी राशि को पूरा का पूरा हम लौटा देते हैं। दूसरी एक कंडीशन बनती है जब हम अनुपातिक आवंटन कर देते हैं, यानी कि कुछ अंशों की राशि को कुछ जो अंशों के आवेदन होते हैं उनको हम लौटा देते हैं और उन्हीं में से कुछ अंशों को हम अनुपातिक रूप से आवंटन कर देते हैं। वास्तव में जब हम इस तरह का अनुपातिक आवंटन करते हैं, तो हम आधिक्य की राशि के दो तरीके से उनका समायोजन करते हैं, या तो उनको लौटाना या फिर कहीं पर एडजस्ट कर देना। जैसे एक्सेस जो अमाउंट है उसको हम कई बार अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं या कई बार कॉल्स में एडजस्ट करते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में दिया गया है या जैसे कंपनी की दशाएं हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि अगर जो आधिक्य की राशि है, डिफरेंस की जो अमाउंट है, उसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उसको कहाँ एडजस्ट किया जाए, तो उस डिफरेंस के अमाउंट को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। इसके लिए, इस पूरी प्रक्रिया के लिए हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं, विश्लेषण सारणी बनाते हैं, और उस विश्लेषण सारणी के कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम उस विश्लेषण सारणी को देखकर जनरल एंट्री की अमाउंट को की पोस्टिंग वहाँ पर हम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अति अभिधान की दशा में किस प्रकार से पंजी प्रविष्टियाँ की जाती हैं। अल्प अभिधान एवं अति अभिधान में अंतर। आवेदन के आधार पर अल्प अभिधान में निर्गमित अंशों से कम आवेदन प्राप्त होते हैं, जबकि अति अभिधान में निर्गमित अंशों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। अल्प अभिधान की दशा में, अल्प अभिधान की दशा तब बनती है जब कंपनी अपनी प्रारंभिक दशा में हो, जबकि अति अभिधान की दशा तब बनती है जब कंपनी ख्याति प्राप्त हो या प्रसिद्ध हो चुकी हो। अंशों के आवंटन के आधार पर अल्प या न्यून अभिधान की दशा में अंशों का आवंटन सभी आवेदकों को किया जाता है, जबकि अति अभिधान की दशा में अंशों का आवंटन अनुपातिक रूप से किया जाता है। स्वीकृति के आधार पर अल्प या न्यून अभिधान में सभी आवेदनों को स्वीकार किया जाता है, जबकि अति अभिधान की दशा में निर्गमित अंशों से अधिक प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाता है। राशि की वापसी के आधार पर अल्प या न्यून अभिधान पूरा नहीं होता तो संपूर्ण राशि वापस कर दी जाती है या लौटा दी जाती है। संपूर्ण राशि वापस कर दी जाती है, अन्यथा राशि लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अति अभिधान की दशा में अस्वीकृत आवेदन की राशि लौटा दी जाती है। अल्प या न्यून अभिधान की दशा में विनियोजक कंपनी के प्रति कम सकारात्मक सोच रखते हैं, जबकि अति अभिधान की दशा में विनियोजक कंपनी के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। राजा एंड कंपनी ने 20 रुपए वाले 10,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए। राशि इस प्रकार दी थी: 4 रुपए आवेदन पर, 6 रुपए आवंटन पर व शेष जब मांगी जाए। 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 10,000 अंशों के लिए संचालकों ने आवेदन स्वीकृत किए तथा 2,000 अंशों के आवेदन को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया गया।
आवंटन की राशि यथा समय प्राप्त हो गई, आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे और यहाँ आवेदन जो आए वो 12,000 अंशों के लिए आए, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ शेयर है वो 10,000 है, तो 10,000 अंशों को ही हम शेयर अलॉट कर सकते हैं और बाकी जो 2,000 बचते हैं, 12,000 में से 10,000 को हम अलॉट करेंगे और बाकी जो 2,000 बचेंगे उनके आवेदन को हम अस्वीकृत कर देते हैं। और आइए देखते हैं कि इस कंडीशन में जबकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, अति अभिदान हो जाता है, जितने के लिए हमने शेयर आमंत्रित किए हैं शेयर होल्डर्स को, उससे ज्यादा के अगर एप्लीकेशन आ जाते हैं तो हम उसका निपटारा किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके जनरल एंट्री जो पास करेंगे वहां पर हमको विशेष ध्यान रखना है कि अमाउंटिंग हम जब करेंगे तो वो 12,000 शेयर से करनी है, क्योंकि एप्लीकेशन हमको जितने शेयर्स पर मिलते हैं उतने शेयर्स नंबर ऑफ शेयर से ही मल्टीप्लाई करके हम उसकी अमाउंट लिखते हैं। एंट्री में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो 12,000 शेयर्स पे क्योंकि हमको एप्लीकेशन मनी मिली है और 4 रुपीज पर शेयर मिली है तो ये 48,000 हो जाएगी। अब ये जो मनी रिसीव हुई है उसको जब हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ हमको एक चीज ध्यान रखना है कि टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर है इशू करने के लिए वो केवल 10,000 है, 2,000 जो शेयर है वो एक्सेस है, तो यहाँ पर हमको नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट एंट्री में ये 8,000 जो शेयर है वो हमको वापस कर दे, ये जो 2,000 शेयर है उन पर 4 रुपए के हिसाब से वो अमाउंट हमको वापस कर देनी है। तो अभी हम यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर जो एंट्री करेंगे हम सिर्फ 40,000 यानी कि 10,000 × 4 तो 40,000 से एंट्री करेंगे और बाकी जो 8,000 बचता है उसको हम थर्ड एंट्री में वापस करेंगे। तो वापस करने की क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पलट जाएगी एंट्री, फर्स्ट एंट्री की अपोजिट हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न ऑन 2,000 शेयर, 2,000 अंशों पर अतिरिक्त आवेदन की राशि वापस करने पर। तो 2,000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए यहाँ पर हम थर्ड एंट्री में वापस कर देंगे। उसके बाद हम अलॉटमेंट देखते हैं, तो अलॉटमेंट यहाँ पर दिया गया है 6 रुपए, यहाँ पर अलॉटमेंट की हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर, तो ये अलॉटमेंट के जो ड्यू के अमाउंट है वो 60,000 हो जाएगी। और फिर जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 60,000 से हम रिसीव की एंट्री करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि शेष जब मांगी जाए, तो टोटल जो है वो 20 रुपए है और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के यहाँ पर 10 रुपए होता है और आवंटन तक की यहाँ पर प्रविष्टियां दी गई है, आवंटन की राशि यथा समय प्राप्त हो गई, कॉल्स के बारे में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो हम केवल अलॉटमेंट तक ही इसकी एंट्री अभी करेंगे। पूनम लिमिटेड ने 20,000 समता अंश 10 रुपए प्रति निर्गमित किए जिन पर निम्नानुसार राशियां दे थी, आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर 4 रुपए, शेष प्रथम व अंतिम याचना पर जनता ने 24,000 अंशों के लिए आवेदन निर्गमित किया, अंशों का आवंटन निम्नानुसार किया गया था, 15,000 अंशों के आवेदकों को 15,000 अंश आवंटित किए गए, 8,000 अंशों के आवेदकों को 5,000 अंश आवंटित किए गए और 1,000 अंशों के आवेदकों को कुछ भी आवंटित नहीं किया गया, आवंटन की राशियां, आवंटन व याचना की राशियां यथा समय प्राप्त हो गई, पूनम लिमिटेड के पुस्तकों में आवश्यक नकल प्रविष्टि कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न है इसे कहते हैं हम प्रो रोटा अलॉटमेंट, अनुपातिक आवंटन हम यहाँ पर करते हैं। कारण ये है कि हमारे पास सिर्फ 20,000 इक्विटी शेयर है, लेकिन जब हम इनको निर्गमित करना चाह रहे थे तो एप्लीकेशन हमारे पास 24,000 शेयर्स के लिए आ गए,
अब हमको इस 24,000 में 20,000 ही अलॉट करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम इसको किस प्रकार अलॉट करेंगे, कैसे उनसे हम राशि प्राप्त करेंगे और किस तरह से उन राशियों का हम समायोजन करेंगे, इसके लिए हम एक एनालिसिस टेबल यानी कि विश्लेषण तालिका तैयार कर लेंगे। इस तालिका में हम कुल मिलाकर 6 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम अप्लाइड शेयर का होगा, दूसरा कॉलम अलॉटेड शेयर का होगा, तीसरा कॉलम मनी रिसीव का होगा, चौथा कॉलम मनी ड्यू का होगा, पांचवा कॉलम एक्सेस अमाउंट का होगा और छठवें कॉलम में हम एडजस्टमेंट लिखेंगे। तो जिस प्रकार यहाँ पर अलॉटमेंट यानी आवंटन किया गया है, उससे स्टेप बाय स्टेप हम इस कॉलम इस टेबल में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 15,000 अंशों के आवेदकों को 15,000 अंश दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर अप्लाइड शेयर जो है वो 15,000 आएगा, अलॉटेड शेयर भी 15,000 है। अगर हम रिसीव के अमाउंट की बात करें तो 2 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से आवेदन पर 30,000 मिलेगा, 15,000 × 2, 30,000 मिलेगा। ड्यू और रिसीव भी उतना ही हुआ है, क्योंकि 15,000 अंशों के आवेदकों को 15,000 अंश आवंटित किए गए, तो ड्यू और रिसीव दोनों के अमाउंट सेम होगी। एक्सेस अगर हम यहाँ पर देखें आधिक के, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस हम रिसीव मनी और ड्यू मनी का जो बैलेंस होता है माइनस करके जो आता है वो हम निकालते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही 30,000 है, तो एक्सेस यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर कुछ भी एक्सेस नहीं है तो समायोजन का यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि 8,000 अंशों के आवेदकों को 5,000 अंश अलॉट किए गए हैं, तो यहाँ आवेदित अंश यानी कि अप्लाइड शेयर हो जाएगा 8,000, सेकेंड कॉलम में अलॉटेड शेयर यानी आवंटित अंश हो जाएगा 5,000। अब रिसीव वो अमाउंट होती है जिस पे हमको एप्लीकेशन मिलता है, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशन मिलेंगे सारे के सारे पे हमको एप्लीकेशन मनी मिलती है, तो 8,000 × 2 जब हम करेंगे तो वो हमारी मनी रिसीव हो जाएगी 16,000, और ड्यू वो होता है जो हम उनको अलॉट करेंगे, तो हमने अलॉट किया है सिर्फ 5,000, तो 5,000 × 2 तो ड्यू अमाउंट हो जाएगी 10,000। अब एक्सेस हमको निकालना है, यानी कि रिसीव और ड्यू के बीच में जो बैलेंस आ रहा है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 16,000 - 10,000 6,000 यहाँ पर एक्सेस आ रहा है, जिसको कि हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अगर एडजस्टमेंट के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि एक्सेस अमाउंट को कहाँ एडजस्ट किया जाए, तो इस कंडीशन में हम इस अमाउंट को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। और दूसरी एक ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर कभी किसी अंशों पर कुछ भी अलॉट नहीं किया गया है, तो नियमानुसार हम उसकी पूरी की पूरी राशि वापस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम थर्ड स्टेप में देखेंगे, 1,000 शेयर होल्डर्स को हमने अप्लाइड शेयर में 1,000 लिखेंगे, अलॉटेड शेयर में कुछ भी नहीं, क्योंकि थर्ड स्टेप में हम प्रश्न में देख रहे हैं कि 1,000 अंशों के आवेदकों को कुछ भी अलॉट नहीं किया गया है, तो ये निल या फिर जीरो आएगा, आवंटित अंश कुछ भी नहीं है। ड्यू, क्योंकि हम आवेदित अंशों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, आवेदित अंशों पर हमको प्राप्त होती है राशि, तो 1,000 शेयर होल्डर पे 2 रुपीज के हिसाब से 2,000 मनी यहाँ पर रिसीव हुई है, लेकिन ड्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ अलॉट ही नहीं किया, तो ड्यू होगी नहीं, तो ड्यू के अमाउंट यहाँ पर निल है। अब अगर हम डिफरेंस निकाले, एक्सेस निकाले, तो 2,000 - 0, तो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब इस 2,000 को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम किन्हीं शेयर्स पे कुछ भी अलॉट नहीं करते, तो उसकी पूरी की पूरी अमाउंट हमको उनको शेयर होल्डर्स को वापस करनी होती है, तो एडजस्टमेंट कॉलम में हम यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे, यानी इस 2,000 को हमको शेयर होल्डर्स को वापस करनी है। अब अगर हम टोटल देखें, तो अप्लाइड शेयर का जो टोटल है वो 24,000 अप्लाइड शेयर है, अलॉटेड शेयर का जो टोटल है वो 20,000, नंबर ऑफ शेयर 20,000 अलॉटेड है, रिसीव मनी जो है वो 48,000 है, ड्यू मनी जो है वो 40,000 है, और एक्सेस जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि 8,000 आता है। इसको इसके टोटल को जब हम बैलेंस करके देखते हैं, रिसीव जो है 48,000 है और ड्यू जो है वो 40,000 है, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक्सेस हमारा 8,000 आ रहा है। अब इस एनालिसिस टेबल के बेस पर हम जनरल एंट्री करेंगे, तो हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पर नरेशन में हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि हमको 24,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से ये अमाउंट मिली है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 24,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज पर शेयर, एट द रेट ऑफ रुपीज 2 पर शेयर, तो ये हो जाएगी 48,000। अब क्योंकि हमको यहाँ पर हमारे अलॉटमेंट टेबल के हिसाब से, एनालिसिस टेबल के हिसाब से हमको यहाँ पर एडजस्ट करनी है अमाउंट, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद हमको कुछ अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है और कुछ अमाउंट हमको वापस करनी है। तो सारी एंट्रीज हम एप्लीकेशन के साथ करके यहाँ पर क्लोज कर देंगे, तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे हमने टेबल में बनाया है, शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो आता है 40,000, जो हमने 20,000 शेयर ही इशू किए हैं, तो 20,000 इंटू 2 से हम देखते हैं 40,000 आता है शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में हमको जो एडजस्ट करना है, हम एनालिसिस टेबल को फिर से देखेंगे, तो हमको दिख रहा है कि 6,000 रुपीज हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं, तो वो आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट साइड में 6,000, और वापस जो हमको करनी है टू बैंक वो हम देख रहे हैं कि 2,000 की अमाउंट है। तो टोटल ये 48,000 को हमने जैसा हमको क्वेश्चन में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने एडजस्ट कर दिया। अब हमको ये मान के चलना है कि हमने जो शेयर इशू किए हैं वो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर 20,000 इक्विटी शेयर है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको आगे की जो एंट्रीज है वो करनी है। तो इस हिसाब से हमारी जो अलॉटमेंट की एंट्री होगी वो होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज पर शेयर, तो ये हो जाएगी 80,000 से। अब जब रिसीव की हम एंट्री करेंगे तो बहुत यहाँ पर हमको सावधानी रखनी है, क्योंकि पहले से हमने अलॉटमेंट में कुछ मनी एडजस्ट कर ली है, तो दोबारा हमको यहाँ पर उसको इंक्लूड करके नहीं लिखना है। एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव लेस एडजस्टेड अमाउंट, एडजस्ट अमाउंट को लेस करके ही हमको यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टेबल में, या फिर इसके पहले की अगर हम जनरल एंट्री देखें, तो हमने देखा कि अलॉटमेंट में हमने 6,000 ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम जो अमाउंट लिखेंगे वो 80,000 में से माइनस करके लिखेंगे, 80,000 में से 6,000 माइनस करके लिखेंगे, यानी कि सिर्फ 74,000 से ही यहाँ पर हम अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री करेंगे। अब हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ड्यू की एंट्री करनी है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज पर शेयर, तो ये 80,000 से एंट्री हो जाएगी क्योंकि 20,000 शेयर है और 4 रुपीज पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो 80,000 हो जाएगा। रिसीव की हम इसकी एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन 20,000 शेयर, तो ये 80,000 से ये एंट्री होगी। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रो रोटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन था उसे हम पहले टेबल बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्री पास करके कंप्लीट करेंगे। एक्स लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2,00,000 रुपए की थी, जो कि 10 रुपए के 20,000 अंशों में विभक्त थी। कंपनी ने 12,000 अंशों के लिए आवेदन मांगे, इन अंशों पर 3 रुपए आवेदन पर, 2 रुपए आवंटन पर तथा शेष याचना पर दे थी। कंपनी 16,000 अंशों के आवेदन प्राप्त किए, संचालकों ने 3/4 के आधार पर सभी आवेदकों को अंशों का आवंटन कर दिया। कंपनी ने आवंटन तथा याचना की सभी राशि प्राप्त कर ली, सिवाय ए जिससे की 100 अंशों की राशि प्राप्त नहीं हुई, कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। अशोका लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 समता अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रविवरण प्रकाशित किया। अंशों की राशि निम्न प्रकार दी थी, प्रार्थना पत्र पर 2 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए तथा शेष संचालकों द्वारा मांगे जाने पर। 12,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आए और संचालकों ने आवंटन निम्न प्रकार किया, 8,000 अंशों के प्रार्थना पत्र पर वांछित अंश, 3,000 अंशों के प्रार्थना पत्रों पर 2,000 अंश, 1,000 अंशों के प्रार्थना पत्र पर 0 अंश।
यह मानते हुए कि आवंटन की समस्त राशि प्राप्त हो गई, कोई याचना नहीं की गई, कंपनी के पुस्तकों में जनरल के लेखी कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि अनुपातिक आवंटन किया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि 10,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन 12,000 अंशों के संचालकों ने लेकिन 12,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। ऐसे कंडीशन में हमको अनुपातिक आवंटन करना होता है, और अनुपातिक आवंटन के बारे में क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट जानकारी दी गई है, अलग अलग तरह से आवेदन आवंटित किए गए हैं। कुछ आवेदनों पर पूरे के पूरे आवंटित किए गए हैं, कुछ पर शून्य आवंटित किए गए हैं, और कुछ पर अनुपातिक आवंटन किया गया है। तो इनकी राशि किस प्रकार कैलकुलेट की जाएगी और कहाँ इनको समायोजित किया जाएगा, इसके लिए हमको विश्लेषण सारणी यानी एनालिसिस टेबल बनाना होगा। एनालिसिस टेबल में हम सबसे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे इशूड शेयर। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे इशूड शेयर थे, निर्गमित अंश थे, वो 10,000 थे। उसके बाद सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे अप्लीकेशन रिसीव। तो यहाँ पर प्रश्न में हम देख रहे हैं कि अप्लीकेशन जो हमको रिसीव हुए हैं वो 12,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुए हैं, तो यहाँ हम 12,000 लिख देंगे। थर्ड कॉलम में हम देखते हैं कि अलॉटेड शेयर का जो कॉलम है इसको हम दो हिस्से में बांटते हैं, अप्लाइड और अलॉटेड। तो एप्लीकेशन क्योंकि 12,000 अंशों के लिए आए हैं और हमको अलॉट करना है केवल 10,000 शेयर, तो यहाँ पर हम जो प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखते हैं कि 8,000 शेयर होल्डर्स को हमने वांछित अंश यानी कि पूरे के पूरे 8,000 अलॉट किए हैं, तो यहाँ अप्लाइड शेयर भी 8,000 आएगा और अलॉटेड शेयर में भी 8,000 आएगा। सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं कि 3,000 अंशों के प्रार्थना पत्र पर 2,000 अंश आवंटित किए गए, यानी कि अप्लाइड शेयर जो थे वो 3,000 थे लेकिन अलॉटेड शेयर जो है वो 2,000 है। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि 1,000 शेयर्स पे ऐसे एप्लीकेशन और 1,000 ऐसे शेयर्स थे जिनको हमको वापस करना है, तो यहाँ पर हम अप्लाइड शेयर में 1,000 लिखेंगे और अलॉटेड शेयर में हम निल लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। उसके बाद के कॉलम में हमको क्योंकि एप्लीकेशन मनी ड्यू और रिसीव दोनों की एंट्री करनी है, तो अप्लाइड शेयर को हम एप्लीकेशन अमाउंट यानी 2 से मल्टीप्लाई करके रिसीव में लिखेंगे, और अलॉटेड शेयर को वास्तव में हमने जो अलॉटमेंट किया है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके ड्यू अमाउंट में लिखेंगे। तो हमारे रिसीव की अमाउंट हो जाएगी अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई करके 8,000 इंटू 2 16,000, 3,000 इंटू 2 6,000 और 1,000 इंटू 2 2,000। उसके बाद अलॉटेड शेयर जो है उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन अमाउंट को, तो ये हमारी ड्यू की अमाउंट हो जाएगी 8,000 इंटू 2 16,000, 2,000 इंटू 2 4,000 और निल। और उसके बाद कुछ भी अलॉट नहीं किया है तो वहां पर कोई भी अमाउंट नहीं आएगी। नेक्स्ट कॉलम में हम एक्सेस अमाउंट की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारी अमाउंट हुई है जब हमने 8,000 एप्लीकेशन पे को पूरे 8,000 शेयर अलॉट कर दिए, तो 16,000 रिसीव हुआ है और 16 ही ड्यू हुआ है, तो कुछ भी अमाउंट एक्सेस नहीं है। सेकंड हम देख रहे हैं कि रिसीव है 6,000 और ड्यू है 4,000, तो एक्सेस अमाउंट यहाँ पे 2,000 है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि रिसीव अमाउंट है 2,000 और ड्यू अमाउंट कुछ भी नहीं, यानी कि 2,000 एक्सेस अमाउंट है। तो यहाँ पर इन एक्सेस अमाउंट को किस तरह से एडजस्ट करना है इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था, नियमानुसार अगर अनुपातिक आवंटन किया गया है तो एक्सेस की जो अमाउंट है उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, और जहां पर किसी भी प्रकार का कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया है वहां पूरी की पूरी राशि को हम वापस कर देते हैं। तो पहला जो 2,000 है, जो कि 6,000 माइनस 4,000 का डिफरेंस 2,000 आया है, उस 2,000 के अमाउंट को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। और दूसरा जो 2,000 है, जो कि हमने कुछ भी शेयर वहां पर इशू नहीं किया है, तो वो जो 2,000 की अमाउंट है 1,000 शेयर पे 2 रुपीस से 2,000, उसको उस अमाउंट को हम वापस कर देंगे। अब इस एनालिसिस टेबल के अकॉर्डिंग जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहाँ पर क्योंकि हमको 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, तो यहाँ तो हमको पूरे के पूरे रिसीव शेयर से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 12,000 इंटू 2 24,000 यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री हम करेंगे। और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे being the receipts of application money on 12,000 share at the rate of rupees 2 per share। अब यहाँ पर जब हम application money को share capital account में transfer करेंगे, तो
तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें से कुछ अमाउंट ऐसी है जो कि हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है और कुछ अमाउंट ऐसी है जिनको कि हमको वापस करना है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। वापस हमको जो अमाउंट करना है 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से वो हम टू बैंक में लिखेंगे यानी 2000 क्रेडिट साइड में। और शेयर कैपिटल में हमको जो अमाउंट ट्रांसफर करना है वो सिर्फ उतने ही शेयर से होगी जितना कि हमने अलॉट करना है। तो हमको सिर्फ 10000 शेयर ही अलॉट करना है, हमारे पास मैक्सिमम 10000 ही शेयर है। तो 10000 इंटू 2 तो 20000 की अमाउंट यहाँ पर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी और ये टोटल 22000 हमारी शेयर एप्लीकेशन डेबिट की अमाउंट हो जाएगी। यहाँ हमको नरेशन में लिखना है बीइंग द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन कैपिटल अकाउंट ऑन 10000 शेयर अलॉटेड एंड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर रिसीव। 10000 अंशों पर आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करने पर एवं 1000 अंशों पर आवेदन की राशि को वापस। उसके बाद जो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हम करेंगे वो पूरे 10000 शेयर से करेंगे और एंट्री में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ अलॉटमेंट की एंट्री होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू 30000 से। और जब हम इसके रिसीव की एंट्री करेंगे तो हमको ध्यान में रखना है कि इस 30000 में से 2000 रुपीज ऐसे थे जो हमको एप्लीकेशन मनी में प्राप्त हो गए थे और उसको हमको यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो यहाँ हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट हो जाएगा क्योंकि टोटल जो अमाउंट है अलॉटमेंट की वो 30000 है। तो उसमें से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 यानी कि जो हमने एप्लीकेशन से एडजस्ट किया हुआ है। तो 30000 माइनस 2000 28000 की जो अमाउंट है वो बैंक में ट्रांसफर होगी। तो बैंक में अमाउंट हो जाएगी 28000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 से और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30000। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग द रिसीप्ट्स ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी टू अलॉटमेंट ऑन 1000 शेयर। 10000 अंशों पर आवेदन की राशि प्राप्त एवं 1000 अंशों पर आवेदन की राशि को आवंटन में समायोजित करने पर।